पीथमपुर नगर पालिका के वार्षिक बजट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जल कर, संपत्ति कर सहित कई करों को भाजपा पार्षदों के विरोध के चलते नहीं बढ़ाया गया। वहीं परिषद के सामने 202 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं परिषद की बैठक के पूर्व समस्त पार्षदों का हार फूल की माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कांग्रेस की परिषद बनने के पश्चात ये पहली परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिनमें 300 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों को परिषद में रखा गया था, जिसमें किसी भी प्रकार के करों में वृद्धि नहीं की गई। बाकी प्रस्तावों को सभी उपस्थित पार्षदों की सहमति से सारे प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीसी रोड, ड्रेनेज, डांबरीकरण रोड, गार्डन का सौंदर्यीकरण, नाली, पुलिया, स्कूल भवन निर्माण आदि कार्यों को मंजूर किया गया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। की पहली बैठक में मुख्य चर्चा पानी की समस्याओं के ऊपर थी। मुख्य चर्चा का विषय वही रहा है और नालियों और रोडों से संबंधित समस्याएं रही है। वही अगर गहरीकरण की बात भी आई थी, हाँ, और क्या क्या रही थी आपकी मांगे? वो ऐसा है कि हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं रही हैं, मगर जो मेन समस्या मेरे हिसाब से पानी और ये रोड और नालियों से संबंधित रही है। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुधा राजेश चौधरी, वार्ड क्रमांक 25, नगर पालिका पीथमपुर। ये जल कर, संपत्ति कर के विषय पे चर्चा हुई है, उस पर यथावत ही रखा जाए, इसका बढ़ाया नहीं जाए। पानी की भी समस्या? पानी की समस्या है ना, पानी समस्या के लिए बोला हम, पानी की समस्या के लिए पर्याप्त व्यवस्था करो, इसकी जो अभी कमी है इसको दूर करो। 31 वार्डों में एम्बुलेंस और इसकी भी सुविधाएं? हाँ, एम्बुलेंस है ना, 3 एम्बुलेंस और 3 सब वाहन। आपका नाम और पद? अशोक पटेल, पार्षद वार्ड नंबर 5। परिषद की पहली बैठक में बजट पारित किया गया वर्ष 23-24 का, और उसके अलावा 202 विषयों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें कुछ रूटीन के वर्क्स भी थे, जैसे हर साल के जो ठेके होते हैं और जो दरें आमंत्रित करनी होती हैं, और उसके अलावा विकास कार्यों के भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं सभी वार्डों के। अच्छा, श्वानों की नसबंदी को लेकर खास बिंदु पर चर्चा हुई थी, क्या था पूरा मामला? पीथमपुर में पिछले एक वर्ष से श्वानों की नसबंदी का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसको हमारे कमिश्नर सर ने भी विजिट किया था भोपाल से, और उन्होंने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करो और इसके आसपास की जो नगर पालिकाएँ हैं उनको भी एक दिन यहाँ पर दो कि उनकी भी कुत्तों की नसबंदी, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे पास है। अच्छा, वो भी यहाँ पे कर पाए। पानी की एक समस्या आई थी, जो संजय जलाशय तालाब का पानी है, पहले कहीं और वितरित होता था, क्या पूरा मामला था? संजय जलाशय का पानी एक्चुअली कलेक्टर सर निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा AKVN को मिलेगी और कितनी मात्रा नगर पालिका को मिलेगी। तो अब हमारी आवश्यकता जन सामान्य को, क्योंकि पानी देना होता है, तो हमारी आवश्यकता को देखते हुए हमने कलेक्टर सर को लेटर लिखा था, तो सर ने हमारे लिए आरक्षित कर दिया था। अभी उसमें ये SDM मैडम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये पाया गया कि अभी पानी की पर्याप्त मात्रा है, पिछले साल से 1 मीटर हाइट का अधिक पानी है, तो अभी AKVN को 20 अप्रैल तक लेने के लिए परमिशन दी गई है। आउटसोर्सेस का भी इस बार टेंडर होने वाला? हाँ, वो टेंडर ने अभी तो गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि SEDMAP संस्था, जो क्योंकि गवर्नमेंट की है, उसके माध्यम से भी आउटसोर्स के कर्मचारी लिए जा सकते हैं, तो वो प्रस्ताव भी परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है। आपका नाम? मधु सक्सेना, CMO नगर पालिका पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।